आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाकात पर हमारी पहली नज़र और पहली खबर दिन भर में आज हखरपुरा पुलवामा की। और हखरपुरा पुलवामा में कल फोर्सेस के साथ झड़प में जख्मी हुआ गबरपुरा अहाल का रहने वाला नौजवान अकील अहमद आज सुबह सिकम सूरा श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। याद होगा आपको, कल हखरपुरा पुलवामा में अबू दुजाना इनकाउंटर के दरमियान के बाद पुलवामा के कई इलाकों में एहतजाज और झड़पें हुई थी, जिस दौरान फोर्स और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पों में अकील अहमद सीने में गोली लगने से जख्मी हुआ था, जिसके बाद मजकूरा नौजवान को सिकम सूरा अस्पताल पहुंचाया गया था। तहम आज सुबह वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। बताया जाता है कि अकील अहमद 11वीं जमात का तालिब इल्म था, और आपको याद होगा कि कल इस तसादुम के बाद फोर्सेस की एहतजाजी फायरिंग में फिरदोस अहमद नामी एक नौजवान मौके पर ही जान बाँक हुआ था, जबकि 3 दर्जन के करीब लोग यहाँ जख्मी भी हुए थे। और यहाँ इल्ज़ाम यही था कि फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए टेयर गैस और राह रास्त फायरिंग के साथ साथ पैलेट का इस्तेमाल किया था, और फिरदोस अहमद को भी कल सीने में गोली लगने से वो जख्मी हुआ था। तहम फिरदोस जिला अस्पताल पहुंचाए जाने से पहले ही दम तोड़ बैठा, जबकि अकील अहमद को जख्मी हालत में पुलवामा अस्पताल पहले पहुंचाया गया और उसके बाद उन्हें सूरा श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, लेकिन आज सुबह वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। उधर अकील की लाश आज जो ही उसके आबाई इलाके पहुँचाई गई तो वहाँ सफ़े मातम बिछ गई, जिसके बाद उनके नमाज जनाजा में एक बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आपको याद दिलाना बताना चाहेंगे कि लोगों की इतनी तादाद थी कि अकील अहमद के कई जनाजे पढ़ाए गए, और यहाँ जनाजे से पहले और जनाजे के बाद भी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की और पुरनम आँखों से अकील अहमद की मैयत को सुपुर्द खाक किया। इसी दौरान सकन शोपियाँ में हमें खबर आई है कि वहाँ इनकाउंटर मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान आज तशद्दुद बढ़क उठा है, और यहाँ नौजवान ने मुश्तैल होकर फोर्स में पथराव भी किया, जबकि यहाँ टेयर गैस शेलिंग की भी खबरें आई हैं। बताया जाता है कि फोर्सेज को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हैं, और सिकन गांव का जब यहां फोर्सेज ने मुहासरा किया तो नौजवानों की टोलियां मुख्तलिफ अतराफ से निकल आईं और यहां एहतजाजी मुजाहरे करते हुए फोर्स पर पथराव किया, और फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए टेयर गैस शेलिंग भी की, और जिसकी वजह से इलाके में कशीदगी जारी थी। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में कशीदगी बरकरार जारी थी। और हखरीपुरा पुलवामा में कल मारे गए नौजवानों की हलाकतों के ख़िलाफ़ आज हुर्रियत की जानिब से कश्मीर बंद की कॉल दी गई थी, जिसकी वजह से आज वादी के तमाम अजला में कारोबारी इदारे बड़ी हद तक बंद रहे, जबकि सड़कों पर भी ट्रैफिक का जुज़वी असर देखा जा रहा था। और इंतज़ामिया की जानिब से भी वादी के हसास मुकामात पर फोर्सेज की बारी नफरी को तैनात किया गया था, जबकि शहर ख़ास के साथ साथ कई जगहों पर सड़कों को खारदार तारों से भी बंद किया गया था। और हालात के पेश नज़र अगरचे इंतजामिया ने कल ही मवासलाती खिदमात मुअत्तल रखी थी, ताहम आज बाद दोपहर इंटरनेट सर्विस को एक बार फिर से चालू किया गया। उधर इंतजामिया की हिदायत पर रेल इंतजामिया ने आज बारामूला बनिहाल रेल सर्विस को दूसरे रोज़ भी एहतियाती तौर बंद रखा था, और श्रीनगर में इंतजामिया की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए और अमन कानून की सुरख्याल को बरकरार रखने के लिए 5 पुलिस थानों की हदूद में आने वाले इलाकों में बंदिशें भी आई थी। और श्रीनगर में जहाँ पुराने शहर में बंदिशें आई थी, वहीं ऊपरी इलाके यानी सिविल लाइन्स के इलाके में कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद थे, स्कूल भी बंद थे, वहीं यहां पर किसी हद तक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट भी देखी जा रही थी। और श्रीनगर से बटमालू से बटवारा और डलगेट के इलाकों की तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छोटी बसें किसी हद तक चल रही थी। उधर बनिहाल में भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों पर भी ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर रही, और ज़िला इंतजामिया की जानिब से किसी भी मुमकिन गड़बड़ को रोकने के लिए फोर्सेस की बारी नफरी को तैनात भी किया गया था, जिसकी वजह से ज़िंदगी वहाँ भी दरहम बरहम रही। और सोपोर के साथ साथ बारामूला और बांडीपोरा में भी इसी तरह की खबरें हैं, जबकि बारामूला के साथ साथ पुलवामा और अनंतनाग में भी हड़ताल का असर देखने को मिला था, जबकि कुलगाम से मुजाहरों की खबरें भी आई हैं। और पुलवामा के साथ साथ अनंतनाग में बताया जाता है कि वहां भी मुजाहरे देखने को मिले। और अलहदगी पसंदों की कॉल पर जहां हड़ताल आज वादी कश्मीर में रही, वहीं आज
पुलवामा में जान बख हुए नौजवानों का कई जगहों पर गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा गया और श्रीनगर के मायस्मा में भी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा गया जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलबल में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया जबकि पांता चौक श्रीनगर में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और यहाँ नमाज जनाजा में शामिल लोगों ने नारेबाजी भी की। इधर अकील अहमद की हलाकत के बाद गबरपुरा हाल में नौजवानों और फोर्स के दरमियान झड़पें भी हुई हैं जिस दौरान नौजवानों ने फोर्स पर पत्थर का इस्तेमाल किया जबकि फोर्स अहलकारों ने नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बताया जाता है कि यहां ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और पत्थर चलने के वाकात रियासत के वादी के कई और हिस्सों से भी आए हैं। लेकिन अब दूसरा पहलू हिंदुस्तान और पाकिस्तान का और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास आबी मुहादे पर हुई मीटिंग में अब इस बात का एतराफ किया गया है कि दोनों ममालिक इस मामले पर जारी बहस के लिए सितंबर में दोबारा बातचीत करेंगे और इसी हवाले से आलमी बैंक ने बताया है कि दोनों ममालिक के नुमाइंदगान ने मुफामत और तावन बरकरार रखने के जज्बे के तहत दोबारा मिलने पर हामी भी भरी है। इधर आलमी बैंक ने भारत को जम्मू कश्मीर में जहलिम और चिनाब पर पन बिजली प्रोजेक्ट की तामीर की इजाज़त तो दी है लेकिन कमीशन ने भारत को 57 साल आबी मुहादे के ताबिया रहकर प्रोजेक्टों पर काम शुरू करने की इजाज़त दी है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले साल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से किशनगंगा पन बिजली प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान मुहादे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था जिस दौरान पाकिस्तान ने आलमी बैंक से रजू करके इसमें सालसी का मुतालबा भी किया था। और ख़बर NIA की भी, सईद अली शाह गीलानी के फर्जंद नसीम गीलानी को कल यानी बुधवार को दिल्ली में NIA हेडक्वार्टर पर हाजिर होने के लिए जहाँ पहले समन जारी है वहीं आज नसीम गीलानी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताब भी करने वाले थे ताहम यहां मौजूद पुलिस ने नसीम गीलानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका और नसीम गीलानी श्रीनगर के एक मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे थे और अंदाज़ा यही था कि वो NIA की जानिब से समन जारी करने से मुतालिक मामलात पर बात मीडिया के सामने रखेंगे ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। उधर नई दिल्ली में गिरफ्तार शब्बीर अहमद शाह की रिमांड मियाद बुध के रोज़ मुकम्मल होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने उन्हें सेशन जज नई दिल्ली की अदालत में पेश किया और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के जराए ने बताया कि 25 जुलाई को श्रीनगर में गिरफ्तारी के बाद 26 जुलाई की सुबह नई दिल्ली मुंतकिल होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने शब्बीर अहमद शाह को एडिशनल सेशन जज के सामने पेश किया जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शब्बीर शाह को 18 रोज़ के लिए अपनी तहवील में दरख्वास्त दी थी ताहम मुतलका जज ने सिर्फ 7 रोज़ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में उन्हें दिया और फ्रीडम पार्टी के जराए का कहना है कि बुध के रोज़ यानी 2 अगस्त को शब्बीर अहमद शाह की रिमांड की मियाद मुकम्मल होने वाली थी लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने मौसूफ को एडिशनल सेशन जज के सामने पेश करके दरख्वास्त की दी कि उन्हें मजीद 1 हफ्ते के लिए रिमांड में दिया जाए लेकिन जज ने शब्बीर अहमद शाह की रिमांड में 1 हफ्ते की तौसी करने की अर्जी को नामंजूर करते हुए उन्हें सिर्फ 1 दिन की रिमांड में दिया है। इधर हुर्रियत के दोनों दड़ों और दूसरी अलीहदगी पसंद जमातों के गिरफ्तार लीडरान का 4 अगस्त को NIA की टीम पटियाला हाउस में पेश करने जा रही है और मुमकिन तौर NIA गिरफ्तार लीडरान की रिमांड में तौसी भी करेगी और सातों कश्मीरी लीडरान को NIA की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके मुतलका जज से 20 रोज़ा रिमांड में देने की दरख्वास्त की लेकिन बताया जाता है कि जज ने सभी गिरफ्तार कश्मीरी लीडरान को सिर्फ 10 दिन के लिए NIA की रिमांड में दिया है। और नाज़रीन आपको हम बताते चलें अमरनाथ यात्रा की खबर। अमरनाथ यात्रा जारी है और अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक अनंतनाग से होते हुए अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना हुई और यहाँ साधुओं पर मुश्तमिल जत्था जब मटन अनंतनाग पहुँचा तो कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों ने उनका इस्तकबाल भी किया और यहाँ पर दीपेंद्र गिरी जो महान थे उन्होंने हालिया मिलिटेंट हमला जो हुआ था यात्रा पर उसके हवाले से बताया कि मिलिटेंट हमला या जिसने भी ये हमला किया उनका
और उस पर कश्मीरियों ने जिस तरह से रद्द अमल किया उससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीरी हमेशा से अमन पसंद रहे हैं। तहम उन्होंने ये भी बताया कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए जो भी यात्री आता है उसका सियासत से कोई वास्ता नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ मजहबी मामला होता है और वो मजहबी तरीक़ेकार से ही आता है। मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कश्मीरी आवाम को भी और पूरे देश को ये बताना चाहूँगा कि जो तीर्थ यात्री है जो अमरनाथ जी के दर्शन करने को पूरे भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों से आता है, उसका एकमात्र लक्ष्य है उस पवित्र गुफा में बनने वाले हिमलिंग के दर्शन करना, अपने इष्ट के दर्शन करना। उसको यहाँ की राजनीति, यहाँ की अव्यवस्था व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये हमें सिखाता हो बताता हो कि हम किसी तीर्थ यात्री के ऊपर हम हमला करें। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने भी हमला किया और उसके बाद जैसे कश्मीरी आवाम ने इसकी मुखालफत किया, अलग अलग सेक्शन से आवाज़ आई, तो मुझे लगता है सबको ये संदेश बराबर से मिल गया होगा कि कश्मीरी आवाम नहीं चाहता कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा हो, और मुझे ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव जी की कृपा से ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं होगी। आप देख रहे हैं दिनभर सनम एजाज के साथ हालात वाकात पर हमारी पहली नजर, दिनभर अभी जारी है। पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। RNC पॉलीक्लिनिक अनंतनाग में वादी के तजुर्बाकार और मारूफ डॉक्टर साहिबान की खिदमत दस्तियाब है। जल्द बालों और जिंसी अमराज के माहिर डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट हर सनीचर को, बेऔलाद खवातीन के मामलात से मुतालिक डॉक्टर रुबीना अमीन हर मंगलवार को, जबकि जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुश्ताक अहमद हर इतवार को मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जदीद किस्म के अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर और हर किस्म के टेस्ट जदीद लेबोरेटरी में मुनासिब रेट पर किए जाते हैं। RNC पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, KP रोड नियर शाही बेकरी जनरल बस स्टैंड अनंतनाग, सेल नंबर 9797845886. Are you planning a trip outside the state just to buy your bridal clothes? Give it a pause. Zircon brings to you one of the best bridal collections at an exciting price. Zircon Designer Collection, Lambert Lane, Residency Road, Srinagar. कितनी हसीन है कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग। ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल। मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। खैर मकदम, आपका ब्रेक के बाद तो हज व अवकाफ के वजीर फारूक इंद्राबी ने बताया है कि मौजूदा सरकार अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए वादाबंद है, और उन्होंने ख्वाबों की तामीर के लिए अवाम से अमन की अपील भी की। फारूक इंद्राबी ने इन बातों का इजहार टोल पोस्ट काजीगुंड में आज PDP कारकुनों के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एम्स और स्मार्ट सेंटर्स के साथ साथ 5 नए मेडिकल कॉलेजों का कयाम PDP के वादों को ज़मीनी सतह पर अमलाने की अकासी भी करता है। हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट जो हमारा हमने नारा दिया है, और साथ साथ अपने जो पॉलिटिकल मौकफ है हमारा, जो हमारा इस एक एजेंडा है BJP के साथ, उस सब को इंशाल्लाह तकमील के लिए खुदा के फजल करम से हम उस पर कायम दायम हैं, और हम जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर, तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर हर हिसाब से, चाहे हेल्थ हो, चाहे सड़कें हो, चाहे रेल हो, चाहे इसमें हवाई सफ़र हो, चाहे डिस्ट्रिक्टों में जो भी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस का जाल बिछाया जाएगा, ये गवर्नमेंट हर चीज़ को कारबंद है और काम कर रही है। आपको पता ही है कि जब हम इतने प्रोजेक्ट, इसका मैंने आपको नाम दिया जी सर, एम्स बनेगा तो आपको पता है कितने हज़ार डॉक्टर उसमें काम करेंगे, कितने पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ अपॉइंट होगा, कितनी हमारी नर्सें वहाँ होंगी, हमारे सफाई कर्मचारी कितने लगेंगे।
और नाजरीन आपको बताते चलें कि CAPD यानी अमूर सार्फीन व तकसीमकारी महकमा और अमूर सार्फीन व तकसीमकारी महकमा आज से दो रोज़ा हर काम छोड़ हड़ताल पर है और आज से जम्मू कश्मीर में इस हड़ताल के तहत अमूर सार्फीन के राशन घाट समेत दफातर बंद भी रहे। और यहाँ श्रीनगर में मजकूरा एसोसिएशन के नुमाइंदों का बताना है कि वजारत खारजा की जानिब से खजाना की जानिब से हाल ही में एक मनसूबे को हरी झंडी दिखाई गई है जिसमें CAPD को कॉरपोरेशन में बदलने का बात की गई है और मुलाजमीन ने बताया है कि मजकूरा मनसूबा मुलाजिम कुश और CAPD कुश है और इसलिए उन्हें वजीर आला से इस ज़मन में मुदाखलत की अपील के साथ साथ आज हड़ताल कर रखी थी। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक प्रपोजल वेट हुआ है जिसके रूह से अब जो फूड सप्लाईज का सिविल जो है सिविल सप्लाईज उसको कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है। ये मुलाजमीन के लिए बड़ा ही समय कातिल होगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये आपकी इस चैनल के वसादत से हम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हमारी वजीर आला है उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले को वो ज़ाती तौर इसमें दिलचस्पी ले और देख ले कि ये कैसे हुआ। उधर अनंतनाग में भी CAPD के बैनर तले मुलाजमीन ने आज एहतजाज करते हुए कहा कि जहां पिछले साल खराब हालात में मुलाजमीन ने जान की परवाह ना करते हुए जगह जगह राशन पहुंचाई, वहीं सिविल सप्लाईज को कॉरपोरेशन में तब्दील करने का मनसूबा रियासती सरकार रियासती मुलाजमीन को और CAPD मुलाजमीन को क्या तोहफा दे रही है। हुकूमत वक्त हमारी माँ को आज नीलामी कर रही है। आज हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें प्रमोशन दे दो, हमारी DPC लगाओ, हमारा कोई और इसके सिवा कोई और मसला आज नहीं है। हुकूमत वक्त आज फूड एंड सप्लाईज को कॉरपोरेशन में तब्दील कर रही है। ये हमें मौजूदा हुकूमत इनाम दे रही है। जब 2016 में यहाँ की हुकूमत भाग गई, यहाँ के पुलिस अफसर भाग गए, यहाँ के मंत्री घर पर सोए रहे, तब फूड एंड सप्लाईज ने काम की। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में उस वक्त महकमा को सराहा। जब तक हमें दम में दम है तब तक हम अपने डिमांडे इनको मनाएंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात की तलखी में जहां सबसे बड़ी मार सरहद और सरहद के रास्तों पर पड़ती है, वहीं RNB के वजीर नईम अख्तर ने बताया है कि क्रॉस LOC तजारत एक तजुर्बा है, एक तहरीक है और इसे किसी भी हालत में जारी रखा जाएगा। मीडिया में छपी खबरों पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए नईम अख्तर ने बताया कि इस तजारत को जारी रखने के लिए वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली से बात भी की है और उन्होंने बताया कि दुनिया आज रास्ते तलाश करी है और हम हैं कि रास्तों को ही बंद करें। याद रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल की सोठ्याल और उसके साथ साथ NIA की छापामारी के बाद पिछले एक महीने से कारवाने अमन की बस सर्विस से लेकर आर पार तजारत बंद है और पुंछ रावलाकोट बस सर्विस आज मुसलसल बंद भी रही, जिस दौरान आर पार मुसाफरों में काफ़ी मायूसी भी पाई जाती है और पुंछ के चक्कांदेबाग के रास्ते में सर्विस के बाद तजारती सिलसिला भी बुदस्तूर मुनकता है। बस सर्विस मुअत्तल रहने की वजह से पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 116 मुसाफिर पुंछ, जबकि जम्मू कश्मीर के 3 मुसाफिर उस पार दरमांदा भी हैं। मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई भी हमारी अभी तक अचीवमेंट है, जो कुछ हासिल हुआ है, उसका लुबे लुबाब ये LOC ट्रेड एंड ट्रैवल, और यही रास्ता है। अभी चाइना के साथ वो डोकलाम वगैरह का कोई टेंशन है, लेकिन जो भी वहाँ बॉर्डर ट्रेड है वो चल रहा है। तो इसी तरह से हमारा LOC ट्रेड, मुझे लगता है, एक मुस्तकिल इदारा इंस्टीट्यूशनलाइज होके, अब इसमें ज़रूरत है कि इसमें बैंकिंग का बैकअप हो और जो खदशात ज़ाहिर किए गए हैं और जिसमें कुछ चीज़ें तो हकीकत भी हैं कि कई जगहों से इसमें वो ड्रग्स या कोई एक आध बार आर्म्स भी देखे लाए हुए हैं कुछ लोगों ने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे कंट्रोल्स टाइटेंड होनी चाहिए, सिक्योरिटी टाइटेंड होनी चाहिए। वो फुल बॉडी स्कैनर हम ट्रक में अभी नहीं लगा सके, तो वो एक तश्वीश की बात है, मगर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछली बार कन्वे किया था कि उन्होंने इसके लिए ऑर्डर्स दिए हैं और वो जब भी लगेंगे तो उससे ट्रेड आसान। खबर आर की, खबर पार की। तो आर और पार में जहां बस सर्विस यानी पुंछ रावला कोट कारवाने अमन बस सर्विस के साथ साथ कारवाने अमन की बस सर्विस भी मुअत्तल है, वहीं आर पार की तजारत भी मुअत्तल है और पुंछ के चकंदाबाद से चलने वाली तजारती सरगर्मियां पिछले एक महीने से मुअत्तल हैं, जिसकी वजह से ताजरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पुंछ में ताजर बरादरी ने बताया है कि आर पार तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहने से उन्हें माहाना 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ता है। याद दिलाना चाहेंगे आपको कि पाक भारत सरहद पर दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले एक माह से जारी कशीदगी और इस कशीदगी में सरगर्मियां और वो भी तजारती सरगर्मियां मुतासिर रही हैं। इधर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला नासिर नकाश ने आज डाक बंगलो बारामूला में ज़िला अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान ज़िले में मुख्य स्कीमों के तहत जारी तामीराती कामों का जायज़ा भी लिया गया। इस मौके पर उन्होंने दरदस्त लिए गए कामों के हवाले से तफसीली जानकारी हासिल की, जबकि ज़िला तरक्याती कमिश्नर अफसरान को हिदायत दिए कि वह हाथ में लिए गए तामीराती कामों में सूरत लाएँ ताकि उन्हें वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किया जाए। और नाजरीन, आईजी कश्मीर मुनीर अहमद ख़ान ने आज श्रीनगर से एक श्रीनगर की एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बात की है और उस बातचीत के हवाले से उन्होंने बताया है कि पुलिस और आवाम के दरमियान बदअतमादी को ख़त्म करने और भरोसे की एक मजबूत दीवार तामीर करने की ज़रूरत है। और इस पर ज़ोर देते हुए आईजी कश्मीर मुनीर अहमद ख़ान ने बताया कि मुकामी नौजवानों का मिलिटेंट ग्रुपों में शामिल होना और ये ख़तरनाक रुझान है और इससे रुकना पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज भी है। चोरी से लेकर मिलिटेंसी के खात्मे तक अपनी तरजीहात बयान करते हुए आईजी कश्मीर ने सीएनएस खबर रसा इदारे को बताया है कि ओहदे का चार्ज संभालते ही उन्होंने पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम ये हिदायत जारी की थी कि वो ज़मीनी सतह पर सरगर्मियों के दौरान अपने रवैये में बेहतरी लाने के लिए अपने आप में तख्लीकी तब्दीलियाँ भी लाएँ और अपने काम काज पर नज़र रखकर इस बात को यकीनी बनाएं कि लोगों की उम्मीदों पर पूरा और खरा उतरा जाए। उन्होंने कहा कि कामकाज में बेहतरी की बिना पर ही पुलिस के बारे में लोगों के अंतई पाए जा रहे मनफी तासुरात को दूर भी किया जा सकता है। वादी में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि ये तादाद हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने बदलती रहती है, ताहम फिल वक्त वादी में करीबन 200 मिलिटेंट सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में नौजवान मुकामी नौजवान बंदूक उठाए हुए हैं, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से शुमाली कश्मीर में गैर मुल्की मिलिटेंटों की तादाद है। और अबू दुजाना की हलाकत से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वो एक मिलिटेंट था और मारा गया, लेकिन उनके लिए चैलेंज इस बात का है कि मुकामी नौजवानों की मिलिटेंट ग्रुप में शमूलियत के ख़तरनाक रुझान को कैसे बचाया जा सके, उसे कैसे रोका जा सके। 15 अगस्त की तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से आईजी कश्मीर मुनीर अहमद ख़ान ने यहाँ ये भी बताया है कि पुलिस को खुफिया इतलात मिली हैं कि मिलिटेंट श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फोर्सेज को नुकसान पहुँचाने के लिए एक मनसूबा तरतीब दे रहे हैं, लेकिन पुलिस और फोर्सेज इन हमलों को नाकाम बनाने के लिए चौकस हैं और आईसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। ये आईजी कश्मीर मुनीर अहमद ख़ान का बयान। दिनभर अभी जारी है, एक और छोटा सा तजारती वक्फा लेना पड़ेगा। हम दोबारा मिलेंगे तजारती वक्फे के बाद। हम आपको बताएंगे कि अगस्त का महीना है, सितंबर का नहीं, क्योंकि सितंबर 2014 में तुगयानी सैलाब आया था, लेकिन आज बादल फटने से कई इलाकों में तुगयानी भी आई थी। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम मरियम फैशन वेयर स्टोर, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के मल्टी ब्रांडेड फैशन वेयर मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब हैं। जेंट्स सूटिंग फॉर्मल पैंट्स, जेंट्स पैंट्स, कैजुअल शर्ट्स, कुर्ता पजामा, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स के अलावा लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप्स, क्रोकोडाइल अंडरगारमेंट्स दस्तियाब हैं। तशरीफ लाएं मरियम फैशन वेयर स्टोर, सेकेंड फ्लोर, सारा सिटी सेंटर, अपोजिट एग्जीबिशन ग्राउंड, श्रीनगर। जी हाँ, जन्नते कश्मीर के मसाले अथफर मसाले मिलावट से पाको साफ, जायके में बेमिसाल, सेहत के लिए लाजवाब अथफर मसाले। कितनी हसीन है
कुदरत की रंगीन दुनिया, खुशियों के रंग, कल्पनाओं के रंग, मेहनत के रंग, ये रंग खतरनाक भी हो सकते हैं जब पीते हैं सिंथेटिक रंग वाले जूस। ना रंगों की मिलावट, ना हानिकारक केमिकल, मोर पल्प, लेस शुगर, पल्प रिच फ्रूट ड्रिंक्स। लेकिन आपको बताते चले नहीं, बल्कि आपने खुद भी देखा होगा कि कई रोज के कड़ाके की धूप और शिद्दत की गर्मी के बाद वादी कश्मीर के रहने वालों को कल दरमियानी शब उस वक्त राहत भी मिली जब मुतला अलबर आलूद रहने के बाद मौसम ने करवट ली और बालाई व मैदानी इलाकों में बारिशें भी हुई। वादी में इस बारिशों की शुरुआत होते ही दर्जरात में कमी की वजह से पूरी वादी में ठंड की लहर भी चली और लोगों को सुकून भी हासिल हुआ। सूरज की हद्दत व तमारत से काफ़ी हद तक जो परेशानी महसूस हो रही थी और बारिशें न होने की वजह से किसानों में जो तश्वीश की लहर थी उसमें किसी हद तक कमी आई थी और माहरीन का कहना है कि धान और मेवा फसलों को बारिशें न होने के नतीजे में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचने का एहतमाल था और अगर मजीद कुछ वक्त तक खुशहाली जैसी सुरताल रहती तो ज़िरात और बागवानी शोबे को नुकसान पहुँच सकता था। श्रीनगर में सोनम लोटस ने 5 दिन पहले ही पेशन गोई भी की थी, ताहम अब की बार शायद लोगों को कम ही यकीन था, लेकिन कल जो बारिश हुई उसने एक बार फिर साफ कर दिया कि लोटस की पेशेंगोई सच ही साबित होती है। श्रीनगर में आज भी सुबह से बारिशों का हल्का हल्का सिलसिला जारी रहा और बाद दोपहर इन बारिशों ने थोड़ी सी तेज़ी भी पकड़ ली थी और वादी के शुमाली अजला के कई इलाकों में बारिशें भी हुई हैं और लोगों को राहत भी हुई है। जनूबी कश्मीर के अजला के अलावा बड़गाम के सियाहती मुकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में आज जमकर बारिश हुई हैं और दिन को हुई बारिशें कम शिद्दत वाली थी, ताहम इन कम शिद्दत वाली बारिशों से राहत की सांस मिली है और कश्मीर आए सयाहों के लिए भी ये खुशखबरी है और सियाहती मुकाम पर एक अच्छी खासी भीड़ भी सयाहों को देखी गई। लेकिन इन बारिशों के साथ साथ बादल फटने की खबरें भी आई हैं और खनमुआ इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया में कल जहां अचानक बादल फट गया था जिसके बाद कुछ फैक्ट्रियों के बाहर प्लास्टिक अशिया और दूसरे सामान को नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि बादल फटने के बाद पानी का एक रेला नज़दीकी देहात में भी घुसा और वहां इलाके में मौजूद सब्जी और धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इधर भारी बारिशों के साथ से मनीगाम गांधरबल में आज उस वक्त तुगयानी की सुरताल पैदा हुई जब नाले बाब कैनाल उर्फ पहल नार में पानी किनारों को रोनता हुआ घरों और खेतों में जा घुसा। अगर इससे किसी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम इस तुगयानी से इलाके में माल जायदाद का बड़ा नुकसान हुआ है। मनीगाम नाले स्टैंडिंग क्रॉप डैमेज ग हाउसन मन आब अचान इंद आंगन वांगन यह सोरे डैमेज गाहिद नाल अत मज आम मतलब डैमेज बाकी नाल पहल नार वन ये बाकी नाल सारी गा जनाब लाड कनाल मे यम सन बस्ती बचान असल पे तमें चल ग प्रॉब्लम कम मगर इस वहीद नाल यो सिर्फ कर्मुत टच इरीगेशन डिपार्टमेंट फेलियर यमो नहीं जहत कम बिल्कुल फ्लड यम सा उधर बांडीपोरा जिले से भी खबर है कि जानेगीर इलाके में भी बादल फटने के नतीजे में रिहायशी बस्ती के साथ साथ खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है और इस हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने फौरन ही एक टीम को मजकूरा इलाके के लिए रवाना किया है जिन्होंने सुरथाल का अज खुद जायजा भी लिया है। इधर डेठू और ब्रिस्नू शांगस में भी कल बादल फट जाने से कई रिहायशी ढांचों और फसलों को नुकसान हुआ है और लोगों का कहना कि कल बादल फट जाने से नदी नालों में पानी के तेज बहाव से तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा और ये तेज बहाव वाला पानी कई इलाकों में भी जा घुसा जिससे खड़ी फसलों को नुकसान भी हुआ और कुछ जगहों पर मुकम्मल फसलें तबाह तौर भी हुई और यहां लोगों ने सरकार से इमदाद फराम करने की अपील भी की है। और नाज़रीन आज शहर श्रीनगर में बादल फटने की खबरों के साथ साथ कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि साल 2014 में जब सैलाब आया था तो तब कौन सा महीना था, और नाज़रीन याद दिलाना चाहेंगे कि तब सितंबर था, अगस्त नहीं था, अभी सितंबर तक बहुत दिन हैं। और बारामूला के करालियार इलाके में आपाशी की नहर से मलबा न निकाल ले जाने के नतीजे में
یہاں رہائشی بستی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نہر جہاں زمین کی سینچائی کے لیے کافی اہم ہے وہیں انتظامیہ کی جانب سے اس نہر کی صفائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے اور اس کا پانی اب نہر میں چلنے کے بجائے بستی میں گھس رہا ہے اور انہیں ضلع انتظامیہ سے اپیل کیا کہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا دن بھر، آج کے دن بھر سے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان سنم اعجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت، کے اوپر والے کی ہوئی مرضی، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ آپ رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔